Hello everyone, welcome to Stepping Success and you are listening to Ghazal Rohila. As you all know, we are preparing for Central Teacher Eligibility Test CTET 2019 jo ki 7th of July ko hone wala hai aur uske liye sabse pehle humne topic start kiya hai assessment kyunki ye bahut important topic hai aur uspe se question bankar aate hi aate hain. To is video mein to hum baat karenge paradigms of assessment ki jo ki hai aankalan ke pratiman. और इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने असेसमेंट इवेल्युएशन मेजरमेंट वगैरह में सब में मेन जो डिफरेंस होता है वो और सीसी की मेनली बात की थी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पर ज़रूर देखिए वो वीडियो. और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताई गई है सीसी का पूरा जो भी है सीसी के अंदर, तो ज़रूर देख लें वाली वीडियो. तो इस वीडियो में असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग, इनके डिफरेंस के बारे में विद एग्जांपल बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा. और आई होप कि वीडियो देखने के बाद आपकी इन तीनों की कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए. और इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में मिलता है तो आप बिल्कुल भी गलत ना करें. सो लेट्स स्टार्ट. एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसके साथ छपे हुई जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल जाए. तो बात करेंगे पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट की. तो ये होते हैं फोर हैं, एक्चुअल में फोर पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट होते हैं. फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग. बट इज दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो वैसे भी आउटडेटेड हो चुका है और उस पर से कभी क्वेश्चन भी नहीं बनकर आते हैं, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे. हम तीन को ही कवर करेंगे. सो आगे देखते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग. तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग की. तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम देखते हैं कि टीचर डिजाइंस लर्निंग. जो टीचर होता है वो मेन पर्सन होता है जो यहाँ पर काम करता है. ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे सबमिटिव असेसमेंट की बात हम कर रहे होते हैं. ठीक है, जो हमारा एसे है, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था एसे के बारे में. तो जो एसे होता है वो होगा हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग. ठीक है, इसी का दूसरा नाम लगा लीजिए सबमिटिव असेसमेंट. तो जैसा कि हम सबमिटिव असेसमेंट के बारे में जानते हैं तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी. तो फर्स्ट तो ये हो गया कि टीचर मेन पर्सन होता है. यहाँ पे टीचर ही कलेक्ट करता है एविडेंसेस को, वही टेस्ट प्रिपेयर जो टेस्ट पेपर है वो उसको प्रिपेयर करता है, वही कंडक्ट कराता है क्या चीज़ें टेस्ट में डालनी है. तो वो सारा टीचर का मेन रोल हो गया. स्टूडेंट हैज़ लिटिल इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, टीचर की ज़्यादा होती है. ऑल्सो नोन एज सबमिटिव असेसमेंट, ऐसे इसको बोला जाता है. ठीक है, वट हैज़ बीन लर्नड एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. मेनली जो यहाँ बात की जाती है वो एंड रिजल्ट की बात की जाती है क्योंकि जो ऐसे होते हैं वो एंड ऑफ द टर्म होते हैं. तो जो भी हमने कोर्स में पढ़ाई की है, पूरे गिवन जो टाइम में पढ़ाई की है, जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, उस सब को असेस करना, ये काम होता है एंड में. तो वो जो होगा वो आएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर. एक एग्जांपल से आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, ये वाला क्लियर है. आगे देखते हैं. एग्जांपल ये है कि अ टीचर टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप. अ टीचर टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप एंड आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस द ट्रिप विद हर स्टूडेंट. ठीक है, यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि आफ्टर कमिंग बैक. ठीक है, फील्ड ट्रिप के लिए लेकर गए, एजुकेशनल ट्रिप या फील्ड ट्रिप जो भी था, एक टीचर उस बच्चों को बाहर लेकर गए और वहाँ से आने के बाद, ठीक है ध्यान दीजिएगा, वहां से आने के बाद, ठीक है वहां ही नहीं, वहीं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट नहीं किया है, वहां से आने के बाद क्वेश्चंस पूछे हैं. इट मींस जो भी सीखना था वहां पर उन्होंने सीखा, बच्चों ने ऑब्जर्व किया, सीखा मतलब, तो जो भी देखा वहां उन्होंने सीखा, उन्होंने वापस आने के बाद, ठीक है खत्म हो गई ना वो सारी चीज, तो फील्ड ट्रिप तो खत्म हो चुकी है. तो उसके खत्म होने के बाद, ठीक है तो जब एंड ऑफ द टर्म की बात करेंगे, एंड ऑफ द कोर्स की बात करें, यहाँ हम बात करें एंड ऑफ द फील्ड ट्रिप की, तो यहाँ पर होगा ऑफ लर्निंग. ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग. ठीक है, मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि असेसमेंट आफ्टर कमिंग बैक, ठीक है उसको डिस्कस कर रहे हैं. ये क्लियर है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग. तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका भी है. यहाँ पे है फोर और हमारा जो फॉर्मेटिव होता है ना उसमें भी आता है फोर, तो ये इसको थोड़ा सा ये मैच हो गया तो इजीली याद हो जाएगा. ऑफ तो वैसे ही हमें अब जो फॉर नहीं है तो वो ऑफ ही होगा. ऑफ असेसमेंट जो है समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड हो गया और फोर जो है फॉर्मेटिव से रिलेटेड हो गया. तो पहली बात तो यही कि ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट है और इसको माना जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट भी, अगर मैं दूसरा नाम कहूँ तो इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट बोल सकते हैं हम. प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट. ठीक है, जो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के काम है
वही सारे काम हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग के होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक प्रोवाइड कराना, ठीक है, जो चीज़ सीख रहे हैं उसके बीच में होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में होता है, तो वो फीडबैक प्रोवाइड कराता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट लिए जाते हैं, उनकी रेमेडी प्रोवाइड की जाती है कि जो हम सीख रहे हैं उसके बीच में ही हम उसको असेस करके देख रहे हैं कि कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, कहीं कोई कमी रह गई तो हम कौन सी स्ट्रेटजीज में अपने चेंज लाएं, कौन से लर्निंग स्टाइल्स में चेंज लाएं, बच्चों की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग जो हम अपने पढ़ाने के तरीके में कोई चेंजेस ला रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है, ये नहीं कि हाँ इसे सीख लिया या नहीं सीखा, सिर्फ दो एक आंसर नहीं हो सकते। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है पूरा डिटेल में। दूसरी बात, तीसरी बात हो गई कि इट डिटरमाइंस व्हाट टू डू नेक्स्ट फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जब डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मिलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी हमें दिखाई देंगे जो कि हम करेंगे। ठीक है, फिर है इट टेक्स इनटू अकाउंट लर्निंग स्टाइल्स। जो बच्चे के लर्निंग स्टाइल हैं कहीं वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है, नीड क्या है, बहुत मेन चीज़ है ये कि नीड क्या है उस बच्चे की, उसके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग प्लान में, टीचिंग स्ट्रेटजीज में हम चेंज लाते हैं। तो यहाँ पर भी टीचिंग 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 की बात हो रही है, तो जो मेन फोकस्ड पर्सन होता है यहाँ पर टीचर ही है। ठीक है, ऐसे जो हमने अभी बात की थी असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, वहाँ पर भी टीचर मेन पर्सन था। ठीक है, बच्चे को सिर्फ असेस किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो मेन पर्सन है वो है टीचर ही, तो नीड ऑफ द स्टूडेंट वो देखेगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज प्लान करेगा। नेक्स्ट है इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑफकोर्स इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि वो सारी चीज़ों को देखकर पूरा मतलब खत्म नहीं होता ये प्रोसेस कि हाँ बच्चे को असेस कर लिया खत्म हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को असेस करने के बाद उसकी इम्प्रूवमेंट क्या लाई जा सकती है, उसको इम्प्रूव करेंगे, दोबारा से देखेंगे, तो ये कंटिन्यूएशन में चलेगा ये प्रोसेस। ठीक है, एंड लास्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये है प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये जो प्रोग्रेसिव, इट प्रोफेसेस न्यू प्रोग्रेसिव पेडागॉजी। तो अगर सबसे अच्छा हम जिसको मान के चलें प्रोग्रेसिव होता ही है। ठीक है, ठीक है, जो बच्चे की प्रोग्रेस है उसको ध्यान में रखकर जो है असेसमेंट की जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल होगा व्हेन अ कुक टेस्ट अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग। ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ड जो है वो यहाँ पर मेन हो गया। ड्यूरिंग का मतलब यहाँ पर आ रहा है कि कोई कुक है, खाना बना रहा है, तो वो उस टाइम पर अगर उस कुक खुद टेस्ट करके देखता है, वो कुक खाना बनाते टाइम मान लीजिए कुछ सब्जी बना रहा है, सब्जी बनाते टाइम उसको टेस्ट करके उसने खुद ही टेस्ट किया, थोड़ी सी सब्जी निकाल के वो टेस्ट की उसने और उसको लगा कि शायद नमक कम है या कोई चीज़ की कमी रह गई है, तो वो उसको उसी टाइम एड ऑन करता है उसमें और वो ठीक हो जाता है फिर। ठीक है, टेस्ट उस सब्जी का ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ड्यूरेशन की। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि उसने असेस किया सब्जी को खुद ही, उसने बीच में ड्यूरेशन में उसको असेस किया, देखा क्या कमी थी, डायग्नोस किया, उसकी रेमेडी प्रोवाइड की, उसने वो नमक डाला और एंड में ठीक हो गया वो। तो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात की जा रही है, तो इट मीन्स असेसमेंट फॉर लर्निंग हुई, अपनी लर्निंग के लिए असेसमेंट हुई। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अ टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स अ वर्क ऑफ द क्लास एंड देन प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट नीड। यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि जो टीचर है वो कलेक्ट कर रहा है वर्क ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे के काम को कलेक्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान कर रहा है, प्लान को एडजस्ट कर रहा है, जो भी उसको नेक्स्ट लेसन प्लान बनाना है। तो यहाँ पर भी उसने लर्निंग की है। ठीक है, खुद टीचर ने लर्निंग की है कि हाँ बच्चों का काम ये है, बच्चों का इंटेलेक्ट जो है लेवल ये है और इसके अकॉर्डिंग में अपनी जो लेसन प्लान है, स्ट्रेटजीज है, उसमें इम्प्रूवमेंट करूँ। तो ये भी एग्जांपल फॉर लर्निंग का ही हो गया। और अगर इसमें ही हम एफएज का देखें तो यहाँ पर जैसे ड्यूरेशन में जो आपका कुक था वो ड्यूरेशन में ही खाने को टेस्ट कर रहा था और उसने उसमें इम्प्रूवमेंट ला दी, तो यहाँ पर बात हुई कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की। पर अगर वही कुक खाने को बीच में टेस्ट ना करके पूरा खाना बना लेता और डायरेक्ट गेस्ट्स को सर्व करता, तो उन गेस्ट्स को सर्व करता तो वो जो होता वो एंड ऑफ द मतलब उसने खाना बना लिया, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, एंड ऑफ द कोर्स करता तो वही एग्जांपल आपका होता एसेस का। ठीक है, फॉर का ऑफ का होता वो एग्जांपल। ठीक है, तो जब ड्यूरेशन की बात करेंगे तो वो फॉर के लिए हो जाएगा और एंड रिजल्ट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑफ के लिए। आई होप कि ये क्लियर हो गई हो आपको दोनों चीज़ें। अब देखते हैं थर्ड, जो कि है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग,
तो यहाँ पर बात की जाएगी सेल्फ असेसमेंट की और पीयर असेसमेंट की, ठीक है। खुद ही अपने आप को जो हम इवेल्युएट करेंगे, अपने पीयर को मतलब अपने आस मतलब खुद ही, मेन जो फोकस होता है यहाँ पे स्टूडेंट होता है। जैसे हमने ऑफ में और फोर में बात की, वहाँ जो मेन था वो टीचर था, बट यहाँ पर खुद स्टूडेंट अपने आप को इवेल्युएट कर रहा है, तो जो सेल्फ असेसमेंट इसके अंदर आ जाएगा। दूसरी चीज़ असेसमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स का यहाँ पे मतलब है, मेटाकॉग्निशन का वैसे मतलब होता है लर्न, कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन, ठीक है, लर्निंग ऑफ लर्निंग। तो वो अपनी ही लर्निंग को असेस करके उससे लर्न कर रहा है, ठीक है, लर्निंग की ही लर्निंग हो रही है कि कितनी उसमें इम्प्रूवमेंट वो खुद ला सकता है। तो यहाँ पे बात की जाएगी इंटरनल फीडबैक की, अपने आप को ही वो फीडबैक देता है। और मोर कनेक्टेड टू डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो अपने ही जब वो इंटरनल फीडबैक देगा तो फीडबैक में वो ये देखेगा कि क्या कमियाँ रह गई, उसको डायग्नोस करेगा, ठीक है। बहुत मेन चीज़ है कि वो डायग्नोस करेगा खुद ही, ठीक है, सेल्फ की यहाँ पर बात हो रही है। तो स्टूडेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मॉनिटरिंग एंड असेसिंग देयर लर्निंग, वो खुद की अपनी लर्निंग को मॉनिटर भी करते हैं और असेस भी करते हैं, और उसी को फिर वो डायग्नोस करते हैं। इंटरनल फीडबैक की बात की जाती है और खुद की लर्निंग की। आई होप कि आपको क्लियर हो। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल होगा अ स्टूडेंट आफ्टर लर्निंग अ टॉपिक, खुद जो बच्चा एक कोई टॉपिक लर्न करता है उसको डायग्नोस करता है ऑन लर्निंग को, तो आफ्टर रीडिंग है ऑन लर्निंग, अपनी ही लर्निंग को वो असेस कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ें आई होप आपको क्लियर हूँ। टेबल में देखते हैं, तीनों को कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। ऑफ वाली जो मैंने आपको बताई थी एसए से रिलेटेड है समेटिव असेसमेंट में, और फॉर लर्निंग मैंने जो आपको बताई थी एफए, ठीक है, फोर फोर फॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है, तो ये ऐसे भी याद रहेगा। एस में जो हम बात करेंगे सेल्फ की, ठीक है, सेल्फ की जो हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा एस में। तो और जो मेन फोकस थे, यहाँ पर टीचर है, यहाँ पर भी टीचर है, बट जब हम सेल्फ की बात करेंगे वहाँ खुद बच्चा है। टू डिटरमाइन, यहाँ पर है टू डिटरमाइन व्हाट टू डू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनली, ठीक है, टू डिटरमाइन व्हाट टू डू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनली, नेक्स्ट क्या चीज़ हमारी हो उसको हम देखेंगे फॉर लर्निंग में, ठीक है, बीच में ही जो हम जिसको ड्यूरेशन में जिसको असेस कर रहे हैं उसमें देखेंगे कि नेक्स्ट क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं उसमें। जब हम एज की बात करेंगे टू डिटरमाइन व्हाट टू डू नेक्स्ट इन माय लर्निंग, ठीक है, वो अपनी ही लर्निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर है टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल एक्सपेक्टेशन एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एंड की बात की जा रही है कि एंड ऑफ द टर्म क्या चीज़ उसने पूरा का पूरा अचीव किया, क्या ओवरऑल एक्सपेक्टेशन थी कि वो अचीव हुए कि नहीं, फुलफिल हुए कि नहीं, यहाँ पे वो बात होगी। यहाँ पे आगे देखते हैं टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, वही डिस्क्रिप्टिव फीडबैक वाली बात आ रही है कि हाँ पूरा डिटेल में कि व्हाट दे आर डूइंग वेल, किस चीज़ को अच्छा कर रहे हैं, किस चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन में और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे जो जो हमने खाने कुक वाला एग्जांपल लिया था कि वो सब्जी में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर है एज लर्निंग में टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक टू पीयर्स एंड सेल्फ, ठीक है, अपनी खुद के लिए सेल्फ की बात होगी यहाँ पर जब भी हम असेसमेंट एज लर्निंग की बात करेंगे। गोल इज टू बिकम रिफ्लेक्टिव एंड सेल्फ मॉनिटरिंग लर्नर, ठीक है। तो और ये है यहाँ पर एज एविडेंस टू सपोर्ट प्रोफेशनल जजमेंट, यहाँ पर जजमेंट हम देंगे एंड में कि हाँ जो आपकी सब्जी थी जो भी कुक बना रहा था वो सही बनी कि नहीं, उसमें एंड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, बट सिर्फ यही पता लगेगा कि हाँ जजमेंट ही हो पाएगी कि अच्छी बनी कि नहीं बनी। पर जो फॉर लर्निंग जहाँ पे हम बात कर रहे थे वहाँ पे हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया हो और कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, और इसके ऊपर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है डू लाइक शेयर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।